एक दिन पहले ऐसी ही यात्रा विजयपुर में भी निकाली गई और ये यात्रा जो है विजयपुर के ब्लॉक से शुरू होकर रामगढ़ रोड से होते हुए विजयपुर के गगोर गांव तक गई और वहां से अब जब वापस आई है, जिसमें हमने राम भगवान की झांकियां भी निकाली और नगर के सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और राम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। कितने खुश हैं लोग और कितना उत्साह देखने लायक है युवाओं में? लोगों में इतना उत्साह है कि लोग इस यात्रा में इतनी संख्या में इतनी दूर दूर से आए और इस यात्रा में सम्मिलित हुए। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि कल वो अपने नगर के सभी मंदिरों में, विजयपुर में कम से कम 15 मंदिर हैं, 15 के 15 मंदिरों में यज्ञ होंगे, सत्संग होगा और उसके बाद प्रसाद का भी वितरण होगा। ये सब जो चीज़ें हैं ये कल के दिन में हमने रखी हुई हैं। आज हमने जो विजयपुर नगर में यात्रा निकाली है, ये संदेश है लोगों में कि राम भगवान का जो कार्यक्रम है वो हम भव्य तरीके से दिवाली की तरह, क्योंकि 500 वर्ष के बाद वनवास काट के भगवान राम अयोध्या में आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग दीप माला करके अपने घरों में दीपक जला के खुशियाँ और अच्छे तरीके से मनाएँ। बिल्कुल, लोग इस दिन को पूरे त्यौहार के तौर पे मना रहे हैं और आज शोभा यात्रा जो निकाली गई है, बहुत उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिला और मंदिरों को सजाया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस जिस इलाके से शोभा यात्रा होती गई, वहाँ पे लोगों द्वारा बाज़ारों में पुष्प जो है वो बरसाए गए, राम जी के ऊपर जो झांकियाँ पेश की गई और साथ ही साथ एक बड़े भव्य तरीके से जो गेट हैं वो बाज़ारों में बनाए गए हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। इस दिन को कितना बड़ा त्यौहार आप मानते हैं और त्यौहार की तरह क्या मना रहे हैं इस दिन को? सबसे पहले मैं मीडिया का और एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस आज के दिन जो शोभा यात्रा विजयपुर में निकाली गई है, ये बड़ी धूमधाम से निकाली गई है और इस शोभा यात्रा में कोई भी एरिया का, जितने भी हमारे विजयपुर के आसपास के गांव हैं, सब लोगों ने यहां आके इस शोभा यात्रा का स्वागत किया और भव्य स्वागत करके लोगों ने अपनी दुकानों से, अपने घरों से फूल लाके इस शोभा यात्रा में फूल फेंके। मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस शोभा यात्रा में इतना उत्साह था कि जैसे लगा कि अयोध्या की जो हम हर साल दीपावली मनाते हैं, हमें ऐसा लगा कि दीपावली आज ही आ गई है और ये दीपावली अब पूरे साल चलेगी। और मैं इस शोभा यात्रा से यही मैसेज देना चाहता हूँ सब समाजवासियों को कि ये जो हमारा सनातन धर्म है, इसको ऐसे ही हम आगे बढ़ाते चले और पूरे समाज में यही मैसेज फैला जाए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल होने जा रहा है, तो उसको लेके क्या गांव-गांव में शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, क्या सुबह प्रभात फेरी निकाली जा रही है और कितना उत्साह जो है वो लोगों में है इसको लेके? इसमें मैं पंद्रह बीस दिन से हर गांव में हर जगह जा रहा हूं। हर मंदिर ऐसे सजा है जैसे कि राम भगवान वहीं पे आ रहे हैं और वहां पे लोगों में इतना उत्साह है कि लोग 22 तारीख को जो कल हमारा राम भगवान जी अपने घर पे आ रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हर मंदिर में इतना उत्साह है कि लोगों ने अपने मंदिर में भंडारा रखा हुआ है और पहले हवन रखा हुआ है, फिर भंडारा रखा हुआ है। लोगों में इतनी खुशी है कि इसको जाहिर ही नहीं कर सके हम। बिल्कुल, कई सालों का इंतजार था जो जिसको लेके ये कार्यक्रम होने जा रहा है कल अयोध्या में। कुछ और भी साथी हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे कैसे देखते हैं आज के दिन को, लोगों में कितना उत्साह था और कितनी बड़ी झांकी जो है जो आज निकाली गई है। इस शोभा यात्रा में हम सबको सनातन धर्म में यह 500 साल के बाद पहला मौका ऐसा मिला है कि जो अपना धर्म के बारे में हम खुल के सबके सब अपनी सभी लोगों को बता रहे हैं, तो ऐसे इसे ये संदेश जाएगा कि सबके सब अपने इस भव्य दिन को दिवाली के रूप में, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, कल भी भगवान श्री प्रभु की दिवाली के रूप में सब मनाएं अपने अपने घरों में। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को महज कुछ घंटे ही बाकी हैं और अगर हम बात करें सांबा जिला की, तो जिले में कई भव्य कार्यक्रम जो हैं वो किए जा रहे हैं। इस अवसर पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, प्रभात फेरी निकाली जा रही है और साथ ही साथ भजन कीर्तन मंदिरों में किया जा रहा है, मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और आज जिले भर में जो है वो शोभा यात्राएं निकाली गई और अयोध्या में कल होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और
कल तमाम जिले के मंदिरों में जो है वो इसका लाइव टेलीकास्ट जो है प्राण प्रतिष्ठा का दिखाया जाएगा, जिसको लेके लोगों में काफ़ी खुशी जो है वो दिख रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं शाम